हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मेरे ट्यूटोरियल्स को एंजॉय करें। सो मैं आ गई हूँ एक और एक इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट लेकर जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना बिना स्किप करे, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आप ही बोलेंगे कि ये कैसा होगा ये कैसा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना बिना स्किप करे। एंड जो भी मैं मटेरियल्स यूज़ करूँगी, लाइक बीट मार्क, शेक मार्क, इफेक्ट एंड जो भी प्रोजेक्ट्स मैं यूज़ करूँगी, सब कुछ उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अलाइक मोशन ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या आपके प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कि प्रोजेक्ट्स कैसे इंपोर्ट करते, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले हमारा जो बीट मार्क प्रोजेक्ट है उसको ऐड करना है। एंड यहाँ पे आपको एक फॉन्ट ऐड करना होगा, जो कि मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि फॉन्ट्स कैसे ऐड करते, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पर आपको एडिट टेक्स्ट पर जाना है और कैप्चर फॉन्ट है ना, इसको आपको ऐड करना है। एंड इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड ये जितने भी लिरिक्स हैं उन सारे लिरिक्स पे आपको ये फॉन्ट ऐड करना है, अप्लाई करना है। एंड इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मार्क किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे कुछ 10-14 फोटोज़ आपको ऐड करना है। ओके, एंड आपको पता ही होगा कि फ़ोटोज़ को किस तरह से हम ऐड करते हैं। सो आपको स्टार्ट करना है 7 मिनट्स 20 सेकेंड, ठीक है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम ऐड करना। सो हम मीडिया पे जाएंगे और हम जिस भी फोल्डर में हमारे जो फोटोज़ एडेड है, हम वहाँ से एक एक करके हम अपनी फ़ोटो को ऐड करेंगे। सो ये मैं यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ, यहाँ पे बहुत ढेर सारे फ़ोटोज़ है तो मैं अपना फोल्डर सर्च कर लेती हूँ। एंड ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ओह मैं पहले इसको ये भी नहीं है। ओके, सो मुझे मिल गया है, यहाँ पे फोल्डर मुझे मिल गया है। ओके, अगर आपको पता नहीं है कि हम फ़ोटोज़ को 9:16 के रेशियो में कैसे अप्लाई करना, मैंने पिछले वीडियोस में मैंने कुछ बता दिया है कि आप किस तरह से फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं 9:16 रेशियो में। ओके, सो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया है और अकॉर्डिंग टू बीट मार्क आपको फ़ोटोज़ को सेट करते जाना है एंड एक एक करके आपको ऐड करना है। एंड अगर फ़ोटो आपकी फुल नहीं है तो जस्ट 3 डॉट्स पे क्लिक करना, फिर कंपोजिशन एरिया करना एंड आपकी फ़ोटो 9:16 में कन्वर्ट हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम इरेज कर देंगे। सो इसी तरह से आपको एक एक करके सारे फ़ोटोज़ ऐड करना है। ओके, सो मैं जल्दी से यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ को मैं ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी भी ना हो। ओके, जैसे कि आपको पता है मीडिया पर जाना है, ठीक है, फोल्डर पर जाना है और आपकी जो भी फ़ोटो है आप उसको ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर आप अपलोड करेंगे तो आपको ढेर सारे लाइक्स एंड फॉलोअर्स मिल जाएंगे। ओके, और तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी फ़ोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ वैसे ही आपको ऐड करना है, मीडिया पे जाना है, ठीक है, प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाना है, फोल्डर पे जाना है और एक एक करके आपको फ़ोटो ऐड करते जाना है। ओके, पूरा वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना बिना स्किप करें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ईच पार्ट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही अगर आप अपलोड करते जाएंगे सो आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही अमेजिंग लगेगी, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग लगेगी। सो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी एक एक करके अपने सारे फ़ोटोज़ को मैं ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि हमारी वीडियो जो है
हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा लास्ट फोटो, तो मैं यहाँ पे जल्दी से लास्ट फोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लास्ट फोटो को मैंने ऐड कर लिया है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट ऐड करना है। ओके, और इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए हमें जाना होगा हमारे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर। ओके, तो अब हम यहाँ से जाएंगे हमारे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर, और हम जितने भी फ़ोटोज़ हैं उन सारे फ़ोटोज़ पे हम एक एक करके इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। सो बैक आ जाएंगे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट मिलेगा और एक ही इफेक्ट आपको ऐड करना है। ओके, सो फोटो पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, कॉपी इफेक्ट करेंगे, और दोबारा से हमारे बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से हम जहाँ से हमने फ़ोटोज़ को ऐड करना स्टार्ट किया था, हम वहाँ से आपको पूरा वहाँ से एंड तक आपको ये सारा इफेक्ट ऐड करते जाना है एक एक करके। ठीक है, सेम इफेक्ट है, आपको सारे फ़ोटोज़ में सेम इफेक्ट ही ऐड करना है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट्स नहीं है। तो एक एक करके आपको जल्दी से अपने सारे फ़ोटोज़ पे ये इफेक्ट ऐड करते जाना है। ठीक है, फ़ोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, पेस्ट इफेक्ट करना है। ठीक है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करते जाएंगे, सो आपकी वीडियो अमेजिंग बनेगी। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ऐड कर लेती हूँ सारे फ़ोटोज़ में इफ़ेक्ट्स ऐड कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट ऐड कर लिया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे फ़ोटोज़ पे इफ़ेक्ट को ऐड कर लिया है। अब आपको यहाँ पे एक और एक चीज़ आपको ऐड करना है, तो हम जाते हैं हमारे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर, और यहाँ से आपको HD CCR इफेक्ट जो होता है ना उसको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे तीनों लेयर्स को हम कॉपी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी थ्री लेयर्स करेंगे। ओके, और अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे हमारे शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पर, बीट मार्क प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे, और जहाँ से हमने फ़ोटोज़ को ऐड करना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सो हमने स्टार्ट किया था 7:20 से। तो अब हम यहाँ से हम अपने लेयर को हम पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो फ़ोटो का लेयर है वो इफ़ेक्ट आ गया है, तो इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। ओके, तो अब ये लेयर जो है हमें पूरा एंड तक हमें इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो मैं जैसा कर रही हूँ वैसा आप करते जाएं। तो एक एक लेयर पे हम क्लिक करेंगे, इसका ड्यूरेशन हम इंक्रीज़ कर देंगे पूरा एंड तक। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी दोनों लेयर्स पे भी आपको इसका ड्यूरेशन आपको पूरा एंड तक खींचना है। ओके, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और ये हो गई हमारी वीडियो रेडी। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अब हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ हमारी वीडियो। ठीक है, मैंने साउंड इसका ऑफ किया हुआ है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसका साउंड ऑफ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग लग रही है, परफेक्ट लग रही है। ठीक है, इसी तरह से आप इस वीडियो को अगर आप बनाकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करेंगे तो आपको ढेर सारे लाइक्स, फॉलोअर्स सब कुछ मिल जाएंगे। सो चलिए हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और इसको आप हाई रेजोल्यूशन पे अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये और भी अमेजिंग लगेगी वीडियो। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है इसको अगर आप फुल कर देंगे तो और भी अमेजिंग लगेगी। सो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।